दोस्तों, हाँ अभी पूरा 12 बज चुका है और यहाँ से निकलने की हम तैयारी कर रहे हैं कानपुर के लिए। जैसे आपको बताया था कि आज के दिन निकलना है और आप देख रहे होंगे अभी कुछ खास हमने नहीं किया है, बस ऐसे बाल उल्टा पुलटा है हमारे, बस तैयारी है क्योंकि सुबह से खोया हुआ बनाया जा रहा था घर पे कानपुर ले जाने के लिए। तो बाल बाल सही करने हैं फिर निकलना है, ड्रेस तुमने पहन लिए और हम आपको अभी मिलवाने जा रहे हैं। कल वाले ब्लॉग में आपको बताया था कि दादी से, दादी बताने कल कहाँ रहे तो मिली नहीं, ये है हमारी दादी, वीडियो बना रहे हैं वीडियो बनाओ हाँ हमारो तुम्हारो है। ये दादी जी हैं, सब लोग नमस्ते करिए। और कल मिली नहीं तो बोल रही थी कल आए हो, आज जा रहे हो इतनी जल्दी कि हमने कहा आएंगे फिर से एक महीने बाद, एक डेढ़ महीने बाद होली में, तो कह रही थी इतने दिन बाद, तो हमने कहा हाँ नमस्ते कर लो सबसे। नमस्ते नमस्ते कर रहे हैं सारे लोग नीचे नमस्ते कर रहे हैं, नमस्ते। अच्छा नमस्ते नमस्ते। तो ये दादी जी, और ये देखो इधर ये मिट्टू बैठे हैं, ये इसमें ये बहुत परेशान कर रहे हैं, बोल रहे हैं दादी से कोई बोलेगा नहीं हमारी, केवल हम ही बोलेंगे। तो जब हम बातें कर रहे हैं दादी से तो चिल्लाने में लगे हैं। हाँ देखना अभी मिट्टू मिट्टू बोल बोल पत्ते बोल, अब देखो यही बोल रहा है, अभी बोल रहा था है। तो इधर दीदी जी बैठी हैं, बड़ा शर्मा रही हैं, ऊन के गोले हैं, ऊन का कुछ बना रही हैं। तो दादी साथ में दो तीन फोटो ले लिए हैं, अभी पिटा लेंगे आज। चलो अभी यहाँ से निकलते हैं, गाड़ी बाहर खड़ी है। तो चलिए रुको, अरे पाँच भगवान अरे बैठ हुई दुकान। हाँ आ चलो चले। दोस्तों अभी हम अपने गांव से 25 किलोमीटर दूर निकल आए हैं बांगरमुख के पास, और यहाँ पेट्रोल डलवाना था तो पेट्रोल मैंने डलवा लिया है अभी। और अब चलते हैं, अभी जो आगरा है लखनऊ एक्सप्रेस वे है वो पड़ेगा, उसके बाद में मामा के यहाँ जाना है, लड़का है मामा का उसको लेना है, उसको लेकर के फिर कानपुर जाना है। और मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ, अभी मल्लामा पड़ा था बीच में वहाँ पे, मैंने ये मुझे अच्छे लग रहे थे सारी गाड़ियों में आज लगे थे, तो मैंने तो अपनी भी बाइक में लगवा लें, तो ये फ्लैग लगवा लिया है मैंने तिरंगा, और अच्छा लग रहा है। और मेरे साथ में सिस्टर भी जा रही है मेरी, ये खड़ी है देखो। और अभी इन्हीं के साथ में आपको अमूमन ब्लॉग मिलेंगे कानपुर में भी, हर जगह भी। तो चलो यहाँ से निकलते हैं, और फ्लैग देखो काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, और जब ये मतलब कि हवा में चलती है गाड़ी लहराता तो अच्छा लगता है। अभी आपको दिखाते हैं कैसे अच्छा मतलब कर रहा है। तो आज के दिन 26 जनवरी भी है, और आपको मैं सबसे पहले बोल दूँ हैप्पी रिपब्लिक डे और जय हिंद। चलो यहाँ से निकलते हैं और आगे का जो ब्लॉग है वो बनाते हैं। अभी दोस्तों हम पहुंच चुके हैं आगरा एक्सप्रेसवे, जो लखनऊ से आगरा को जोड़ता है, जिसे बोलते हैं यमुना एक्सप्रेसवे। ये देखो पीछे है, आप देख सकते हो ये, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं, ये देखिए आप, आपको बैक कैमरे से अभी दिखाया होगा बाइक की जितनी भी सीन है, अब ऐसे दिखा रहे हैं आपको। और यहाँ से एक राइट पे लेफ्ट पे कट जाता है, वहाँ से अभी हमको कट होकर के और एक्सप्रेसवे के किनारे किनारे जो सर्विस रोड बनी है उस रोड से गांव तक जाना है मामा के, उस रोड पे बहुत अच्छा नज़ारा है, यहाँ पर दिखाएंगे। तो बने रहिए साथ में, फ्लैग देखो हमारा कितना अच्छा उड़ रहा है, बाप रे बहुत तेज़ी से मोटरसाइकिल भाग के जा रहा है सामने वाला। चलो निकलते हैं यहाँ से।
निकल। दो दो ले लो। तो दोस्तों अभी रास्ते में रुके हैं और लगी थी भूख क्योंकि खाना खा के नहीं आए थे। तो ये मिस्टर आकाश जो मामा के लड़के हैं साथ में आए हैं वहाँ से। तो ये देखो समोसे लेने गए हैं और लेकर के आगे पुल पड़ेगा गंगा जी का, कहीं कहीं बैठ के खाएंगे चलते हैं। बन रहे हैं क्या? चलो जी बन रहे हैं भाई, चलो बन जाने दो। फ्रेंड्स अभी फिर से हम आ चुके हैं बिठूर के पुल पे, जहाँ मतलब कि आपको परसों दिखाया था लोकेशन, ये देखिए। और समोसे लेके आ गए थे तो भूख लगी थी, अब यही समोसे खाए जाएंगे। ये देखिए सारे लोग हैं, सारे कस्टमर ही लोग हैं। और ये है मिस्टर आकाश और ये भी जा रहे हैं हमारे साथ। अरे ये तो लाइन बन गई, वाह भाई वाह 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 गजब। तो समोसे इस पे रख करके अब सामने को सूरज की रोशनी आ रही है, मतलब धूप आ रही है, उसको सेकते हुए खाएंगे। और ये देखो हमारी बाइक खड़ी हुई है पीछे पूरा फुल लोडेड। तो चलो पेट पूजा कर लेते हैं यार। लोचा हो गया, ये समोसे लाए और चटनी लाए, देखो ये रखी है। हाँ नहीं दिख रही है ये देखो, लेकिन ना तो ये धोने लाए कागज वाले और ना तो खाने के लिए कागज लाए। अब समोसे निकाल करके पन्नी से उसी में ऐसे खाने पड़ेंगे, हाथ भी बेकार हो जाएंगे। तो कुछ भूल गए और पानी भी लाना भूल गए, पानी भी पीना है। तो खाने के बाद में जाना पड़ेगा और कहीं नल देखना पड़ेगा, दुकान पे पानी पीना पड़ेगा। तो भैया समोसे निकालो और खाना शुरू कर लो। समोसा पार्टी हो गई खत्म, हाथ वाथ सबने पहुँच लिया है, क्योंकि पानी तो है नहीं, ये सब इसमें डाल दो आगे। और अब यहाँ पे एक दो फोटो क्लिक करते हैं और इसके बाद में फिर निकलते हैं। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं कानपुर में और यहाँ पे केशव गुरु में है, यहाँ पे भैया का जो दुकान है बेकरी, यहाँ पे यहाँ से बर्थडे केक लेके जाना है, क्योंकि आज है मामा की लड़की का बर्थडे। शायद बताया होगा, नहीं बताया है तो अब बता रहे हैं। तो यहीं से लेके जाना है, चलो चलते हैं दुकान के अंदर। नमस्ते भैया, हम दादा को बुला लेते हैं। हाँ अंदर बैग रखा रहे, आ जाओ। दोस्तों ये है हमारे भैया की दुकान, ये हमारे भैया जी, और इनकी जो शॉप पड़ती है वो केशवपुर में पड़ती है कानपुर में। यहाँ पे आपको बेकरी की जितने भी सामान है सब मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। उसके साथ साथ जैसे यहाँ पे क्या बोलते हैं केक वगैरह ऑर्डर भी करते हैं भैया। अगर आपको मंगाना है तो अपना एड्रेस बता सकते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर भैया का हम स्क्रीन पर दिखा देंगे। ऑर्डर से भी मंगा सकते हैं, जैसा आपको बनवाना है वैसा आप ऑर्डर दे करके बनवा सकते हैं, तो आपके घर पे डिलीवरी भी हो जाएगी। तो यहीं से केक हमारा जा रहा है जो नन्ना का बर्थडे है वहाँ, तो वही लेने के लिए आए थे सीधे और अब घर पहुँचेंगे। तो यही कोई बेकरी है, आप देख लीजिए सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ये आ गए हैं मेरे जीजू। सो फ्रेंड्स अब हम घर पे पहुंच चुके हैं, जैसे कि आप देख सकते हो मेरा पीछे का लोकेशन, जहां से रोज हम बोलते हैं और बांसुरी देते हैं। ये एक नई गाय मिली है, हाय हाय करती है खाली और कुछ नहीं। ये है मामा का लड़का छोटा। अब आप सोच रहे होगे कितने लड़के हैं मामा के, यार यहाँ मामा बहुत हैं और लड़के भी बहुत हैं। इनका नाम है मिस्टर ऋषभ, ये चमक ज्यादा रहेंगे कि ये गोरे हैं, बड़ा काला कर लेते हैं। तो ये हैं ऋषभ और ये हैं मिस उर्वी।
और ये रहती हैं पीछे जो इलाका पड़ता है पूर्वी। तो अब घर पहुंच चुके हैं, बर्थडे की तैयारी हो रही है, आपको बैक कैमरा से दिखाते हैं। शाम को बर्थडे सेलिब्रेट होगा, उसकी भी कुछ क्लिप्स बनाएंगे, वो भी आपको देखने का मौका मिलेगा, लास्ट तक बने रहिए। सो फ्रेंड्स, अभी हो गई है रात और शाम के बज गए हैं 7। ओहो माय गॉड, वाओ नाइस, फिर से एक लाइन बन गई। अभी हो गई है रात और शाम के बज गए हैं 7। दोस्तों देख सकते हैं पीछे हमारी बाइक खड़ी है और हम यहाँ पे किसी काम से आए थे शाम को, क्योंकि लोग ज़्यादा हो गए हैं घर में और टेंट वगैरह लेने था, मतलब कि कुछ रजाई गद्दे वगैरह, क्योंकि वहाँ पे जो लगेज है वो इनफ नहीं है इसीलिए। तो यार गाड़ी देखो ये कुछ सही कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हो गई है चैन फंस गई है, चैन टूट गई है, तो गाड़ी बिल्कुल आगे नहीं बढ़ रही है। मैंने फ्रेंड को कॉल किया है, मेरी बाइक लेके वो किसी को लेने गया है। तो यार यहाँ वेट कर रहे हैं, देख लो गाड़ी बिल्कुल भी हिल नहीं रही है, परेशान हो गए हैं। तो यार बड़ा समस्या हो गई, और घर से कम से कम 1 किलोमीटर की दूरी पे हैं हम, कैसे पहुँचेगी पता नहीं, लेकिन पूरा प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, देख सकते हो आप। और घर पे सब वेट कर रहे हैं बर्थडे का, देखते हैं क्या होता है आगे। एक छोटा वाला भी तो रखा है।